नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। आपको बताते चले, जनपद हरदोई के विकासखंड अहिरोरी के ब्लॉक ऑफिस परिसर में आज समस्त क्षेत्रीय आशा बहू एवं खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों के साथ हुई मीटिंग में सभी आशा बहुओं को कोरोना महामारी से बचाव हेतु स्कैनिंग मशीन दी गई, जिसके बाद आशा बहुओं ने खंड विकास अधिकारी अमरेश कुमार के ऑफिस में घुसकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई और कहा कि हमारे साथ मतभेद किया जाता है। खंड विकास अधिकारी स्वास्थ्य कर्मी हम सभी के साथ अपनी मर्जी से कार्य करवाते हैं। कोरोना निगरानी समिति में 8 सदस्य होने के बावजूद कोई भी सदस्य जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करता, हम सभी को ही करना पड़ता है। समस्त अधिकारी हमारी समस्याओं को नहीं सुनते, हमारा शोषण किया जाता है। साथ में सभी आशा बहुओं की समस्याओं पर ध्यान न देते हुए जिला मुख्यालय, जिला अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई की यहाँ अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण हेतु भेज दिया। नहीं नहीं, अभी आप लोग वीडियो साहब के पास गए थे, क्या हुआ? तो वो कह रहे हैं कि जिला पे अपना, वो जिला पे वो कीजिए। पहले उन्होंने अपने डॉक्टर से कही, हमारे डॉक्टर ने कहा है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से ये काम नहीं है, ठीक है। फिर हमने सब लोग जैसे पैसा भी ना सुनी गया, ना रजिस्टर, कुछ भी ना, ग्लव्स ना मास्क, क्या मरे जाकर वहाँ कि हमारे बाल बच्चे नहीं जवाब में क्या कहा उन्होंने? जवाब में क्या कहा? जवाब में उन्होंने कहा जिला पे जाइए, जिला पे जाइए। और हमने कहा मशीन हम काम नहीं करेंगे, मशीन में तो मैंने जिसने मशीन दी है वही ले लेगा, ये कहा। चलो अभी कहा जिसने मशीन दी है वही ले लेगा, अभी कहा वीडियो साहब ने। अभी जो मीटिंग की गई थी, वो मीटिंग का क्या उद्देश्य था? उस मीटिंग का निगरानी समिति का आप सदस्य होते हैं, सबकी सैलरी, हमारी कोई सैलरी तो है नहीं, हम तो रोज का पैसा, रोज मजदूर की तरह, वो भी मिलता नहीं, उसका कोई निष्करण को बताया तो जाए। वो सेक्रेटरी साहब बोलते महाविभाग को जाओ, विभाग वाले बोलते सेक्रेटरी साहब के पास जाओ, किसके पास जाओ। हरदोई ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट।